सुबह के 4 बजे, वो समय जब एक आम इंसान अपनी नींद की चरम सीमा पर होता है। ये वो टाइम है जब एक आम इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए हर चीज से ऊपर है पढ़ाई करना। ये बेस्ट टाइम है उस स्टूडेंट के लिए जो अपना लिविंग स्टेटस बदलना चाहता है, जो रातों रात नाम कमाते हैं ना, अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उनके रातों रात के नाम के पीछे उनकी अनगिनत रातें हराम हो चुकी होती है। एक समझदार और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखिए। आपके फेल होने की रेट को बढ़ा दीजिए और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप पहले की तुलना में ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा बार फेल होने की हिम्मत करेंगे। इस दुनिया में आज तक कोई शॉर्टकट नहीं बना है सफल होने का। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी कार लेने की बातें करते हैं, बड़ा घर लेने की बातें करते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस रखने की बातें करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आपका डेडिकेशन कितना बड़ा है? उन बड़े बड़े सपनों के लिए आपकी मेहनत कितनी बड़ी है? जितने बड़े सपने उतनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन पढ़ने के लिए किस चीज की कुर्बानी दें? यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर स्लीप, अपनी जरूरत से ज्यादा नींद की कुर्बानी। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर लार्ज फ्रेंड्स कंपनी, दोस्तों के साथ की जाने वाली मटर गस्ती की कुर्बानी। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर टेम्पररी डिजायर्स, आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं ना, कुछ के खाना गली में जाके मस्ती करनी है, पार्टी करनी है, उनकी कुर्बानी। द लिस्ट ऑफ सेक्रीफाइस इज क्वाइट लॉन्ग। इन शॉर्ट, हर वो चीज सेक्रीफाइस करनी है जो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाती है, चाहे वो कोई मूवी हो, कोई वेब सीरीज हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, जो भी वस्तु सजीव या निर्जीव आपका समय बर्बाद करती है ना, आपको झूठे सपनों की दुनिया में रखती है ना, उसको सेक्रीफाइस करना है। एंड बिलीव मी, इट्स पॉसिबल। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप सफल हो जाओगे अगर आपकी हैबिट्स सही है, अगर आपका लक्ष्य एक है और आप में लगातार मेहनत करने की हिम्मत है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल एक दिन के लिए 10 घंटे पढ़ाई करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, पर हर दिन, हर वीक, हर मंथ और हर साल 10 घंटे लगातार पढ़ाई करना एकमात्र वही चीज है जो फर्क बनाती है एक टॉपर और लूजर में। द लाइफ इज ऑल अबाउट कीप मूविंग फॉरवर्ड इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, एट एनी प्लेस, विद एनी इमोशनल conditions। हर दिन हद पार मेहनत करना वो चीज है जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ये वक्त ऐसे ही बीतता जाएगा, जो इसके साथ नहीं बहाना वो कहीं खो जाएगा। इस वक्त की गुजारिश है कि आप अपने लक्ष्य के लिए समय खर्च करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, क्योंकि सफलता के रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं। अपने आप को समर्पित करो अपनी पढ़ाई में, अपने आप को समर्पित करो ज्ञान की गंगा में, फिर हर ड्रीम जॉब तुम्हारा है, हर ड्रीम कार तुम्हारी, हर ड्रीम हाउस तुम्हारा है। असफल होने का कारण ये नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख लेते हैं, असफल होने का कारण ये है कि हम केवल उम्मीद ही लगाते रहते हैं कि कोई रात को आएगा और हमारे तकिए के पास सफलता और ढेर सारा पैसा रख के चला जाएगा। लाइफ इज नॉट अ जॉक, लाइफ इज अ मिशन, लाइफ मीन्स वर्किंग फॉर योर पैशन। जिंदगी का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना। जब हम हार रहे होते हैं ना, तो हम केवल ये सोचते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें उस वक्त नहीं पता होता कि हम सफलता के कितने कितने पास खड़े होते हैं। जिसको मेहनत करने की लत होती है ना, सीखने की लत होती है ना, वो बंदा बदलने वाले टाइम के हिसाब से अपडेट रहता है।
और जमाने के साथ चलता है। इट्स नॉट द मार्क्स विच मेक्स द डिफरेंस, इट्स द नॉलेज विच मेक्स द डिफरेंस, इट्स द स्किल विच मेक्स द डिफरेंस। आपका आपका आत्मविश्वास ही आपको काबिल बनाएगा वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ ना सको। उसको बनाने वाला भी इंसान था, उसको इंसानों के लिए ही बनाया गया है। आपकी बुक की सब कॉन्सेप्ट्स किसी इंसान ने ही लिखी है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, डेडिकेशन था। उसके पास एक्सक्यूजेस नहीं थे, रीजंस थे। फाइंड आउट योर रीजन। आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, आपके लिए सक्सेसफुल होना क्यों जरूरी है। जब चीजें मुश्किल लगे ना तो एक बार सोचना कि वो मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर वो आसान होती तो उनको हर कोई हासिल कर लेता, और जब हर कोई हासिल कर लेता तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाता। जब कोई सब्जेक्ट हार्ड लगे तो ये सोचना कि हाँ, इस सब्जेक्ट का हार्ड होना सही है, दिस इज जस्टिफाइड, ये सब्जेक्ट हार्ड ही होना चाहिए। चेंज योर अप्रोच टू स्टडी, चेंज योर सेल्फ। सोच में छोटा सा बदलाव आपको बड़ा बना सकता है। अपने नजरिए का इलाज कीजिए। इफ द स्टडी इज हार्ड, इट्स वर्थ इट। हाँ, वो हार्ड होनी ही चाहिए ताकि आप जैसा मेहनती स्टूडेंट ही ऊपर आ सके। जिसको पढ़ना होगा वो अपने लिए पढ़ने का एक कारण ढूंढ ही लेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो अपने लिए नहीं पढ़ने के 100 कारण ढूंढ लेगा। जब आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर करके थक गए हो तो किताब को साइड में रख के सोचना कि आपको थकाने वाला कौन है। आपकी किताबें या आपकी गंदी हैबिट्स, आपकी नींद को डिस्टर्ब करने वाला कौन है, आपकी किताब या आपका स्मार्टफोन। आपको परेशान करने वाले कारणों में किताब कभी नहीं हो सकती। आपको परेशान करने वाले और आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले कारण कुछ और ही हैं, जिनको आप मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हो। लाइफ इज नॉट गोइंग टू बिकम ईजी। लाइफ को अगर ईजी बनाना है तो आपको कठोर होना पड़ेगा अपने खुद के ऊपर। आप आज ही डिसाइड करो कि आपको अपने पेंडिंग सपनों के साथ ही वापस मरना है या फिर सुनहरी यादों के साथ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हो। एंड जस्ट रिमेम्बर, आज वो आज शुरू हो चुका है। मेक अ प्लान। ये देखो कितने दिन में कितना पढ़ना है। यू आर नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। देर से आओ दुरुस्त आओ। जो दिन चले गए ना उनको जाने दो। ये देखो कि आज के जो 24 घंटे हैं इनको आप कैसे काम में लेने वाले हो। ये देखो कि चूक कहाँ हो रही है, और एक बार फिर से प्रयास करो। सफलता आपकी है, लेकिन उस पे चील की तरह झपटा मार के ही हासिल कर सकते हो। चील तो आप हो, लेकिन भूखे चील की बात कुछ और ही है। अगर आप मेहनत करके हार जाओगे तो वो टेम्पररी है, क्योंकि उसके बाद भी आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करके छोड़ देते हो तो हार हमेशा के लिए रहती है। सफलता केवल उनको मिलती है जो अपने काम से मतलब रखते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये उसकी सोच और उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाग्य उनका पक्ष लेता है। भाग्य उनका गुलाम है जो मेहनत करने के आदि है। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो लोग वो करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। जिसमें असफल लोगों को केवल कमियां दिखती है, जिसमें असफल लोगों को केवल नुकसान दिखता है, जिसमें असफल लोगों को मुश्किलें नजर आती हैं। इफ यू नीड मनी, इफ यू नीड अ कार, इफ यू नीड अ होम, अ जॉब, रिस्पेक्ट, प्राइड, एनीथिंग, देन यू हैव टू गेन नॉलेज, यू हैव टू लर्न। यू गोना डू इट बिफोर यू स्लीप, बिफोर योर एग्जाम कम्स। अगर आपको सामान्य जीवन जीना है तो आप जैसे हैं जहां पे हैं बने रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको महान जीवन जीना है तो हारना सीखिए, हार कर भी वापस उठना सीखिए, और उठकर फिर दोबारा हारने से मत डरिए। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई 1000 टाइम्स लाइक थॉमस एडिसन। जब आप फेल होते हो तो ये देखो आपने कोशिश कितनी बार की। वॉज इट योर फर्स्ट फेलर, देन इट्स अ गुड स्टार्ट। अगर ये आपकी तीसरी हार थी, देन इट्स ब्रिलियंट। अगर ये आपकी 10वीं हार है, देन इट्स एक्सेप्शनल। हो सकता है आप 10 बार हार के फिर जीत जाओ, इसलिए आपको अपने हारने की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सक्सेस जल्दी मिल पाएगी। आप प्रोग्रेस तभी कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हो। आप इस चीज में बिलीव करना शुरू कर देते हो कि ठीक है, परेशानी का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है,
मुश्किलों में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, और उसी दिन से फिर आप ग्रो करना शुरू करेंगे। और अगर आप बेचैन रहते हो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने टारगेट के प्रेशर को लेकर, तो वो जो बेचैनी है ना, वो जो मौका है, उसको मत खोने देना। बड़े खुश नसीबों को मिलता है ये मौका, इस मौके को एक बार भुना लेना। अगर देश में आपका खुद का नाम नहीं हो रहा ना, तो कसम इस सरस्वती माँ की, दुनिया में देश का नाम करके ही छोड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।